स्टूडेंट्स, हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ सॉल्यूशन और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1, एट द फॉलोइंग क्वेश्चन ए, मैं इसमें एक या दो बताऊंगा, ऐड करना है हमें। क्वेश्चन दे रखा है हमें 4.3 प्लस 0.637 प्लस 439 प्लस 0.0437। देखो 4.3 प्लस 0.637 प्लस 439 प्लस 0.0437। स्टूडेंट देखो हमें कैसे लिखेंगे, 4.3 0.637 439.000, क्यों, जिसके पीछे कोई संख्या जीरो नहीं होता उसके हम जीरो कितने भी लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 0.0437 एक और जीरो लगा सकते हैं, अब इसे ऐड कर देंगे हम। तो ये 7 हो गया, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 4 और 3 7 1 8, 6 और 3 9 पॉइंट लगाया, 4 और 3 13 कट 3 1 कैरी, 4 और 4, तो हमारा ऐड करके कितना आंसर आ गया, 443.9807। स्टूडेंट इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे इसके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखो 42.04 माइनस 8.46। तो देखो 14.04 माइनस 8.46 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 14 में से 6 गए, 4 में से 6 जान सकते, 1 कैरी लिया, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8, यहाँ पर 9 रह गए, 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5 पॉइंट, यहाँ पर 1 रह गया था, 1 कैरी लिया, 11 में से 8 गए तो 3 और यहाँ पर 3। स्टूडेंट इसी तरह से होंगे सारे इसके ऑल पार्ट्स, सबको इसी तरह का आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए वाला 4.3 प्लस 43 प्लस 2.43 माइनस 3.7, और एक देखो हम इसका बी वाला पार्ट 33 माइनस 3.3 प्लस 3.03 प्लस सॉरी माइनस स्टूडेंट्स 3.003। देखो पहला वाला क्वेश्चन, पहले जो प्लस प्लस वाले हम उन्हें ऐड कर लेंगे, ये वाला और ये वाला हम इसे ऐड कर लेंगे, कैसे 4.3 प्लस 43 प्लस 2.43, हम कैसे करते थे इसे ऐड, 4.3 प्लस 43.0 प्लस 2.43, इसके पीछे हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया 37.94, कितना आ गए ऐड करके 49.73। अब ये इतना कितना आ गया, इतने को हमने ऐड कर लिया है तो 49.73 माइनस 3.77। अब स्टूडेंट देखो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 49.73 में से हम 3.77 को माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे, कितना भी आएगा, 13 में से 7 गए तो कितने बचे 5, 6 में से 7 जा सकते इसलिए कैरी लिया तो 16 में से 7 गए तो 9, 8 में से 3 जा नहीं सकते 8 में से 3 गए तो 5 और यहाँ पे 4, तो कितना आ गया 45.95। इसी तरह आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब देखो पहले स्टूडेंट्स इसमें से इसे माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये वाला प्लस का है इस वाले को ले लेंगे और इस वाले को ऐड करेंगे, इस वाले को और इस वाले को ऐड करेंगे आपस में तो 33 प्लस 3.03 प्लस सॉरी माइनस 3.3 माइनस 3.003, इन दोनों को ऐड कर लेंगे
उसके बाद ना सॉल्व कर देंगे। तो 33.33 ऐड होगी, कितना आएगा? ये आएगा 6.33 माइनस ये आएगा 6.303। अब इसमें 6.303 और 3. इसमें माइनस करेंगे, देखो 3.330 और 6.303 माइनस करेंगे तो 7 बचा यहाँ से, ये 3 बचा है, सॉरी ये 2, और बाकी ये 0, ये भी 0, तो कितना हो जाएगा 0.027। स्टूडेंट इसी तरह आपको ये करने हैं सारे इसके पार्ट। अब क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 और देखिए क्वेश्चन 4 वर्ड प्रॉब्लम है। अनीता हैड इतने 31.45 रुपीज़, सी परचेज अ पेंसिल बॉक्स फॉर 3.78 रुपीज़, तो व्हाट अमाउंट इज हर लेफ्ट, तो उसमें कितना अमाउंट बचा? तो आप पहले लिखेंगे अनीता हैड रुपीज 37.45, शी परचेज अ पेंसिल बॉक्स रुपीज 3.78। फिर लिखेंगे द अमाउंट, द अमाउंट इज लेफ्ट, कितना बचेगा अमाउंट? 31.45 माइनस कितना? 3.78। माइनस करके जितना आएगा उतना 27.67 रुपीज़ बचे, तो ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5th भी करना है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एज ऑफ सीमा इज 7.5 ईयर, सीमा की एज कितनी है? 7.5 ईयर है। शी वाज बीइंग क्लास 6 आफ्टर 4.57 ईयर, वो 4.75 ईयर में क्लास 7 में पहुंच जाएगी। शी व्हाट विल बी हर एज इन क्लास 6, तो उसकी क्लास 6 में कितनी एज होगी? तो स्टूडेंट 7.5 ईयर्स और 4.75 को ऐड कर देंगे तो उसकी एज आ जाएगी। तो लिखेंगे एज ऑफ सीमा इज 7.5 ईयर्स, शी विल बी इन क्लास 6 आफ्टर 4.7 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल बी हर एज इन क्लास 7th, तो लिखेंगे हर एज ऑफ क्लास 6 इज कितनी हो जाएगी? इसका 7.5 ईयर्स प्लस 4.75 ईयर्स। अब जितना आएगा हम इसे लिख देंगे, 5 और 7 और 5 कितना होता है? 12 और 2 कैरी का 12.5 ईयर्स पे उसकी ये वो 6th क्लास में होगी। इसी तरह स्टूडेंट 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 आपको करना है। 6 में देखो सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है हमें 2.564 एंड 1 नंबर का दे रहा है हमें दूसरा नंबर निकालना है। देखो एक और बता रहा हूँ मैं, देखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2.564 इफ द वन ऑफ द नंबर इज 1.628 देन द अदर नंबर इज इक्वल टू 2.564 माइनस वन, इधर से 2.564 माइनस 1.628, इतना माइनस करके आएगा उतना स्टूडेंट इसका नंबर होगा।
तो स्टूडेंट कितने आ गए, 0.936। सो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये आपको तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन खुद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।